दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और आज फिर हम पंजाब में पहुंच रहे हैं राजा भैया के पास, और राजा भैया के पास आप गजब की चीज लेके आए हैं। तो राजा भैया हमारे साथ है, इनने तो पूछ ले हैं कि के नया लेके आए हैं। राम राम राजा भैया। नमस्कार बहन, नमस्कार। राजा भैया गणेश नाम फिट की बारे क्या मैं समझा नहीं जी, हिंदी में बोला करिए, मुझे आपकी भाषा ही नहीं समझ में। मैं कह रही हूँ राजा भैया बहुत दिन हो गए आपसे मिले। ऐसा है नई कंपनी जो सामने हमारी बनी है, ये भगवान की कृपा है इसलिए नहीं मिल पाया। ये हमने जो नई कंपनी स्टार्ट की है, ये हमारी लुधियाना मिले कोटला रोड पे, सामने मेन रोड है जी। फार्मर भाई आराम से मेन रोड पे आ सकते हैं जी। अब तो मेन रोड पे ही आ गए, मेन रोड पे ही आ गए हैं जी। अब अंदर जाने की जरूरत है, ट्रैफिक में क्यों फंसना जी, मेन रोड पे ही आ जाएं जी। इतने दिनों में मिले हो राजा भैया, अब कुछ नया लेके आए हो नैनो सीरीज। जैसे आपने बोला नैनो टेक्नोलॉजी, हम पावर बीडर में नैनो टेक्नोलॉजी के साथ लेके आए। इसकी क्या विशेषता है ये देखिए, जो ये हमारा जो नैनो टेक्नोलॉजी है ना मैडम जी, बहन जी, इसको जैसे ही आप दबाएंगे ये मशीन चलेगी, अगर इसको छोड़ देंगे ये और मशीन बंद हो जाएगी। इसका बेनिफिट क्या है, फार्मर को क्या बेनिफिट होने वाला है इस नैनो टेक्नोलॉजी से? एक तो इसका क्लच प्लेट कभी भी खराब नहीं होगा। अच्छा। जिसमें नैनो टेक्नोलॉजी होगी उसका क्लच प्लेट खराब ही नहीं होता, क्योंकि जब रिपर चलता है तो बहुत लोड पड़ता है मशीन पे, फार्मर भाइयों का क्लच प्लेट खराब हो जाता है। जब नैनो टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा तो क्लच प्लेट की जो खराब होने की संभावना है वो जीरो, मतलब नील जीरो बटे सौ जीरो हो जाएगी जी। तो राजा भैया ये पक्की बात खराब नहीं होगा? बिल्कुल खराब नहीं होगी, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी यूज कर दी है जी हमने। राजा भैया मैं ऐसे नहीं मानेंगे, चला कर देखेंगे। अरे बेटे ऐसे करो, इसको पहले तो बहन को चला के दिखाते हैं, अभी चला के दिखाते हैं जी। अभी देखेंगे हम, पहले पूछ लें इनके बारे में सारी। अरे पहले चला के दिखाते, आपने बोल दिया है, फार्मर भाई भी हमारे पास आए हुए हैं, पहले उन चला के दिखाएंगे कैसे चलता है वो दिखाएंगे। ये तो देखिए, ये तो जमीन जोती हुई है, हम हार्ड जमीन में जोत के दिखाएंगे। और इस नैनो टेक्नोलॉजी के कारण ये हमारा रोटावीटर है 5.5 फीट तक आराम से चल जाएगा। प्रियंका जी यहाँ पे अभी बाजरे की कटाई हुई है, और खेत को जैसे जोतना है कैसे खेत जोता जाएगा वो आपको दिखाऊंगा जी। ये तो सख्त जमीन है, बिल्कुल सख्त जमीन है, इसी सख्त जमीन में आपको जोत के दिखाऊंगा कैसे इसको जमीन में ये बंजर जो हमारा जहाँ खेत को कैसे तैयार किया जाएगा वो आपको करके दिखाऊंगा जी। बाजरा कटा गया? बिल्कुल बाजरा काटा हुआ है, 15-20 दिन हुए हैं, कटाई हुई है इस पे। इसमें तो जड़ भी निकलेगी? बिल्कुल जड़ भी निकलेगी, उस जड़ को मिट्टी में मिक्स कर देना है जी इस मशीन में। बिल्कुल मिक्स कर, अभी आपको चला के दिखाते हैं बहन जी, जो जड़े हैं उसमें मिक्स करता जाएगा और बिल्कुल जी पाउडर बना देना है मिट्टी को। ये देखिए जी, यही हमारी R709 प्रीमियम की खासियत है जी। बिल्कुल जी देखिए, ये हमारी मशीन का कमाल है जो ऐसे कर रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें जो टर्बो का इंजन लगा हुआ है और आवाज़ बिल्कुल साइलेंट है। अगर टर्बो का इंजन ना होता तो ऐसे से जमीन को ब्रीक नहीं करना था जी इसने। और अभी ये पहले गियर में चल रहा है, आशु बेटे दूसरा गियर लगाइए, ये देखिए अभी दूसरा गियर लगा दिया, अभी असली मजा आने लगा जी। ये देखिए डुंडे पाड़ते क्या होता है जी, ये हमारी R709 प्रीमियम की ताकत, ये है भाई। ये देखिए, और ये देखिए रोटावीटर भी तकरीबन 5.5 फीट का चल रहा है। ये देखिए, ये कोई आसान बात नहीं है चलाना, ये मशीन में ताकत है इसलिए चल रहा है, क्योंकि हमारा जो इंजन है वो स्पेशल टर्बो का इंजन है, 7.75 इटालियन सीरीज का इंजन है जी। एक चीज पूछना चाहती हूँ। पूछिए बहन जी। मैं पूछना चाहती हूँ आशु भैया, रुको ये क्या लगाया है ये वाला? बहन जी देखिए, ये एलिफेंट फिल्टर लगा हुआ है, एलिफेंट फिल्टर मशीन में होना बहुत जरूरी है, कहीं से मशीन लीजिए एलिफेंट फिल्टर होने का। ये काम कर रहा है? इसका ये काम करता है, जैसे अभी हम मशीन चल रहे हैं कई बार धूल मिट्टी उड़ती है, अगर धूल मिट्टी उड़ेगी तो एलिफेंट फिल्टर के कारण ये इंजन में नहीं जाएगी, इंजन में नहीं जाएगी तो इंजन सालों साल चलेगा। दूसरी बात, इसमें जो फिल्टर भी हमने 3 फिल्टर यूज किए गए, एक जहाँ पे फिल्टर लगाया है, एक जहाँ पे भी हमने इसके फिल्टर का मतलब जो मिट्टी है 3 बार इसके पास होना पड़ेगा तब मिट्टी अंदर घुसेगी, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल इसलिए मिट्टी घुस ही नहीं सकती है। एक ये फिल्टर हो गया, एक ये फिल्टर हो गया, एक एलिफेंट फिल्टर हो गया, तीन फिल्टर से क्या मिट्टी घुस सकती है? इसीलिए हमारा जो इसका नाम प्रीमियम दिया है, और इसीलिए इसमें ताकत इतनी ज्यादा है जी, इसका ये विशेष रीजन है जी। ये तो कसूती चीज
मेरे फार्मर भाइयों ने बोला है इसलिए बनाया है जी, मेरे फार्मर भाइयों ने बोला है। और दूसरी बात है, जब मशीन चल रही है कोई भी वाइब्रेशन नहीं है और मशीन में इतनी ताकत है, तकरीबन 5.5 फीट का रोटावीटर चल रहा था, यह इसलिए कार्य सिद्ध हो रहा था क्योंकि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी की यूज़ की गई है। अगर नैनो टेक्नोलॉजी का नहीं होगा तो इतना बड़ा रोटावीटर नहीं चल सकता। देखिए, मैं ट्रैक्टर के साथ कोई कंपटीशन नहीं करना चाहता, ये हमारी मशीन जो है नैनो टेक्नोलॉजी के कारण, इस तरीके से मैंने उसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं देना चाहता। ये तो ये डिस्क होती हैं, ये डिस्क होती हैं साथ में जो मिट्टी को काटना है या हर घास को काटना है, इसलिए ये डिस्क होनी बहुत जरूरी है जी। ये इसमें जो इंजन लगा हुआ है 7.75 इटालियन सीरीज का इंजन लगा हुआ है जो कि टर्बो के साथ डिजाइन किया गया है। देखिए, गर्म होने की, देखिए कितना मर्जी गर्म होता है, इसके ऊपर अब जाली लगा दी गई है। अगर कई बार क्या होता है, सिलेंसर के ऊपर जाली नहीं होती, फार्मर का हाथ जलने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हर चीज़ से प्रोटेक्शन दी गई है। और इसमें एक स्पेशल और भी हमने फीचर ऐड किया है, इसका कार्बोरेटर भी स्पेशल डिजाइन किया है। देखिए, अगर ये हवा भी ले जाएगा, पेट्रोल खत्म हो गया, तो इसमें फीड पंप लगा दिया गया, ऐसे करके हवा आराम से निकल जाएगा। अगर किसी टाइम इसमें कचरा आ गया है, पेट्रोल का कचरा आ गया, इसको टैंक को साफ करना पड़ता है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी की मशीनें थी, पूरा टैंक को ये ऊपर से निकालना पड़ता था तो पेट्रोल खाली होता था, अब ऐसा नहीं है बहन जी। अब क्या करना है, ये जो टी लगाई है इसको ऐसे ऊपर कर देना है, ये पेट्रोल निकलने लग गया, पूरा टैंक आप मतलब कि जो पेट्रोल है साफ कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी, बिल्कुल लेटेस्ट। अगर पुरानी टेक्नोलॉजी पर रहेंगे तो फार्मर भाइयों को दिक्कत आती ही रहेगी, सब कुछ नई टेक्नोलॉजी का ही हमने डिजाइन किया। जब ये देखकर अनुवीरन के किनाया जोड़ दिया आपने। मेरे देखिए, मैंने फार्मर भाइयों को ये बोला था जब मैंने नई कंपनी बनाई थी कि ऐसी ऐसी मशीनें दूंगा जो कि हिंदुस्तान की पृथ्वी में सोचना भी मुश्किल हो जाएगा, वो मैंने आज का आपके माध्यम से जो कार्य सिद्ध कर दिया है जी। अच्छा राजा भैया, एक और चीज बताओ, पीछे इसके वे भी लग रहे हैं, पाछे के जुड़ जाए इसका है? इसके पीछे आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, कल्टीवेटर जोड़ सकते हैं, ट्रॉली जोड़ सकते हैं, रिपर जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कल्टीवेटर जोड़ सकते हैं, आप क्या जोड़ना चाहते हैं वो ही आपको जोड़ के दिखा, रिपर भी इसके जुड़ते हैं, रिपर भी जोड़ देंगे आपको, इसके रिपर बहुत बढ़िया चलेगा, वो भी आपको करके दिखा देते हैं। एक चीज का कई काम करेंगे, बिल्कुल कई काम करेंगे। अभी इसके पीछे देखिए, अभी इस खेत में है, फिर आपको रिपर का भी कार्य, अभी बेटे ऐसे करिए, कल्टीवेटर चला के दिखाइए। आशु भाई, ये कैसे शुरू किया है, एक बार दोबारा से बंद करके चलाना, मतलब मैंने तो देखा इस प्रकार से होते हैं स्टार्ट, रस्सी लेके खींचते हैं, चेंज कर दिया, इसको टच स्टार्ट बोलते हैं, जस्ट कोई भी सेल्फ की जरूरत नहीं है, हल्का सा इसको टच करना है और स्टार्ट हो जाना बहन जी। देखिए, नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, कोशिश यही की गई है कि फार्मर भाई को अच्छा से अच्छा मशीन दिया जाए, क्योंकि जो रस्सी होती है खींचने में टूट जाती थी, जो ये टच है हल्का सा ये घुमाना है और टच कर देना और स्टार्ट हो जाएगा बहन जी। ये देखिए कल्टीवेटर का उपयोग, कैसे हमारा कल्टीवेटर चल रहा है ये देखिए। इसका नाम नैनो टेक्नोलॉजी रखा है जी जी जी। तो नैनो का क्या मतलब है? देखिए, नैनो का ये है, रुकिए बेटे, आशु बेटे जरा रुक जाइए, देखिए इसका नैनो का ये मतलब है, इसमें जो है डबल क्लच का काम करता है, जैसे ट्रैक्टरों में डबल क्लच होता है ना, नैनो टेक्नोलॉजी भी सेम वैसे ही काम करती है, डबल क्लच। पहली बात तो ये है, इसका कभी भी क्लच खराब होने वाला नहीं है। इस डबल क्लच में क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इसको जैसे अब है मशीन, अभी भी क्लच काम कर रहा है, जैसे इसको दबाएंगे ये देखिए अभी फिर इसका काम करने लग गया जी। इसका ना ये मेन जो उपयोग होगा, गियर में ज़बरदस्त उपयोग होने वाला है जी इसका, रिपर में आपको इसमें मजा आएगा। रिपर तो नैनो टेक्नोलॉजी के बिना किसी भी फार्मर भाई को मैं पूरे हिंदुस्तान में बोल रहा हूँ खरीदना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें डबल क्लच होता है, जब रिपर चलाएंगे उसमें बहुत सारी सावधानियाँ रखनी होती है, जब हमारा नैनो क्लच काम करेगा तो प्रॉपर रिपर कैसे काटेगा वो आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। बिल्कुल जी, तभी आपको विशेष तरीके से समझ आएगा जी, जरूर देखेंगे हम। अभी बेटे ऐसे करो, बखर लगा के दिखाओ इसके पीछे में, ये क्या लगा दिया? ये देखिए, इसको बखर पास बोला जाता है, ये ज्यादातर महाराष्ट्र में चलता है या एमपी में चलता है या राजस्थान में, गुजरात में चलता है, इधर हमारे नॉर्थ इंडिया में नहीं चलता, वहाँ पे कपास, मूंगफली, तंबाकू की खेती होती है। इसने क्या होता है, जमीन में खरपतवार को उल्टाना होता है और मिट्टी को नीचे से ऊपर करना होता है, इसको बखर बोला जाता है बहन जी। बखर का भी बहुत जबरदस्त कार्य है, मैं तो चाहता हूँ जो गन्ने वाले किसान है हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में, जैसे पूरा मुरादाबाद में, शामली में इधर गन्ने की खेती होती है, मैं चाहता हूँ वो भी इस बखर का उपयोग करें, उनका जो खपतवार का समाधान प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाएगा जी। मतलब
अड़ंगा है इसको निकाल दीजिए। मतलब कि जो नीचे से मेन क्या करना है, इसका नीचे से जो घास होगा उसको प्रॉपर निकाल देगा इसको, जैसे ये निकाल दिया जी, जी, जैसे इसको निकाला गया है जी, ये निकाल दिया जी जी जी। राम राम महाराज जी। राम राम। कहाँ से आए हो? जिला फिरोजाबाद। जिला फिरोजाबाद यूपी में? हाँ यूपी में। आप क्या करने आए हो? मशीन लेने। मशीन आपने भी मशीन ली है? हाँ। देखिए ये जो महाराज जी आए हैं, इन्होंने हमसे रिपर और टिलर लिया है स्पेशल हमारे यहाँ पे। इन्होंने पूजा भी की है, 3 दिन हो गए, कहते राजा भाई आपके लिए मैं पूजा भी यहीं पे करके जाऊंगा जी। महाराज ने जी ने भी बिल्कुल, इन्होंने क्योंकि महाराज जी नहीं ले सकते, इनके भी अपने खेत है, इन्होंने भी मशीन लिया हमसे जी। महाराज जी कैसी लगी मशीन? मशीन बढ़िया है। नाम क्या है आपका? नाम दिनेश है। हाँ। फिरोजाबाद में कौन सा गांव है जी? जिला में फिरोजाबाद में कातकी रयावली चौराहे के जो है। अच्छा। भाषा नहीं समझ में आ रही है बाबा जी की। एटा रोड पे। देखिए अब राजा भैया को मेरी नहीं आती, मेरे को आपकी थोड़ा सा भाषा का फर्क पड़ जाता है जी। हमारे पास और भी फार्मर आए हुए, ये हमारे पास भगवान श्री राम अयोध्या की नगरी से आए हैं जी। इतनी दूर से फार्मर तो हमारे पास झारखंड से आते हैं, तमिलनाडु से आते हैं, क्या बात कर दीजिए, तो यूपी है हमारे पास ही है, नॉर्थ इंडिया में है। नहीं सर, अयोध्या तो मेरे ख्याल से आते हैं 1100-1100 किलोमीटर पड़ता होगा। 900 किलोमीटर जी। इन्होंने भी हमारी, ये हमारी 8709 प्रीमियम मशीन ली है जी। ये वाली जी जी जी। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया चल रही है। अनुज राम चौरसिया। आप अयोध्या के कौन से गाँव से आए? वहाँ से तहसील मिल्केपुर ग्राम निमड़ी। निमड़ी। हाँ। अच्छा तो अभी लेके जाओगे? अभी लेके जाएंगे। अच्छी लगी? अच्छी लगी। देखो मन्ना तो बहुत बढ़िया लगी। हमें तो अच्छी लग ही रही है। अच्छा आप भी साथ में आए सर? ये तो इनके साथ पापा जी के साथ। के साथ हो। अच्छा आपका क्या नाम है? भूपेंद्र। तो अच्छी लगी मशीन? बहुत बढ़िया मशीन। बता देना अभी तो राजा भैया यहीं पे खड़े हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बढ़िया है। अच्छा हमारी 10 वॉट पावर की है। लाइव डेमो ही देखने के लिए आए थे हम यहाँ पे। हाँ तो देख लिया, पूरा संतुष्ट हूँ। ये बेड बना रहा है, ये देखिए जी, ये देखिए प्रॉपर बेड बना रहा है जी। इसका बेड मेकर बोलते हैं फार्मर भाई, किसी ने खाल बनाना है या बेड बनाने हैं, जो एडजस्टेबल है, छोटा बड़ा फार्मर भाई कर सकता है। भैया सबसे अच्छा कौन सा मशीन लगा? सबसे बढ़िया यही मशीन लगी, क्योंकि जो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी दी गई है। तो नैनो टेक्नोलॉजी आपने ली है? हाँ जी। ये तो फैन हो गए नैनो टेक्नोलॉजी। देखिए पता क्या, अभी फैन नहीं होंगे, जब रिपर चलाऊंगा तब असली मजा आएगा जी इसके नैनो टेक्नोलॉजी से। अच्छा भी रिपर और बाकी है? अरे भाई, अरे इसमें बहुत कुछ लग सकता है, तभी तो मैं कह रहा हूँ जो नैनो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी बात है। क्यों अच्छा चल रहा है जी हमारा मशीन, जो ये मशीन है हमारा, ये 245 cc का है। आप पूरे हिंदुस्तान में आप किसी की भी मशीन देख लेना, कितना सीसी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये हमारा जो मशीन है 245 cc का है, और इसकी सारी जो भी इसके डिस्क्रिप्शन है इसके ऊपर प्रॉपर आ गई है, मशीन के ऊपर आ जाएगी जी। अच्छा, राजा भैया देखो आपका ये फोटो लगा हुआ है जी जी जी, ये तो मैं अभी भी उखाड़ सकती हूँ उसको तो। फिर क्या हो गया, ये उखाड़ दीजिए। मैंने कहा कैसे पता चलेगा कि राजा भैया की? देखिए क्वेश्चन अच्छा किया है, फार्मर भाई को कैसे पता चलेगा? देखिए अब हमने हर पार्ट में अपना ब्रांड नेम एम्बोस कर दिया है, RBW। ये देखिए जहाँ पे टूल बॉक्स में भी हमने RBW एम्बोस कर दिया, ये देखिए, और जहाँ पे भी ये देखिए जी RBW हमारा एम्बोस रहेगा, गियर बॉक्स पे, इंजन तक में भी हमारा जो ब्रांड नेम है जहाँ पे एम्बोस रहेगा जी। बिना एम्बोस किए हुए तो किसी से भी मशीन नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी दुकानदार होगा। फार्मर भाई जब मशीन ले तो पहले सबसे पहले देखें कि जिस कंपनी से मशीन ले रहे हैं क्या उसका ब्रांड नेम एम्बोस है या नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया राजा भैया। RBW जी पूरी फुल फॉर्म क्या है? देखिए इसका जब देखिए जब हम नई कंपनी बनाने स्टार्ट किए थे तो हमारे पास पुराने स्टाफ के 7 स्टाफ के वर्क आए थे हमारे पास, तो उनका भी मैंने कंपनी में उनका योगदान भी लिखा, तो R से राजा बना, V से भाई बना, W से जो स्टाफ थे उन्होंने मेरे साथ बहुत काम किया, 18-20 घंटे मेरे साथ लगे रहे, इसीलिए इतनी विशाल कंपनी बन गई। उनका वर्कर्स मतलब राजा भाई वर्कर्स से इसका पूरा नाम बढ़ गया जी। शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया शुक्रिया। साथ में मालिक का नहीं वर्करों का भी? अरे देखिए वो वर्कर नहीं है, मेरे स्टाफ है, मेरे भाई बहन है, मेरे बच्चे हैं, उनको भी मैं अपने साथ ही रखता हूँ जी। जैसा मैं खाता हूँ वैसे ही वो, जैसे वो पहनते वैसे ही मैं हूँ, मैं कोई वो नहीं हूँ जी, उनके कारण ही मैं यहाँ पे पहुँचा। अभी हमने डबल प्लाव लगा दिया है, अगर फार्मर भाई ने मिट्टी चढ़ाना है, जैसे एक लाइनदार खेत में होते हैं उसमें मिट्टी चढ़ाना है या दोनों साइड में, तो किस तरीके से मिट्टी चढ़ाएगा वो इस प्लाव से चढ़ाया जा सकता है, और जो एडजस्टेबल है फार्मर भाई इसको आराम से छोटा बड़ा कर सकता है जी। मतलब ज्यादा थोड़ा ये कर सकते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल
ये देखिए जो ये प्लाउ हमने लगाया है, ये 6 इंच से लेके तकरीबन 24 इंच तक ये छोटा बड़ा कर सकते हैं जी, अपने हाथ में है। बिल्कुल जी बिल्कुल अपने हाथ में है जी। अरे राजा भाई, हमारा तो इंटरव्यू करवाया ही नहीं आपने, हम तो यहीं पे खड़े हैं आपसे मशीन लेने के लिए आए हैं। राजा भाई आप कहाँ से आए हो? मैं हिसार से आया हूँ मैम। हाँ जी हाँ जी। किस लिए आए हो? मैंने ये मशीन राजा भाई से लेके गया था 3 महीने पहले, तो अभी मैं दूसरी मशीन और लेने के लिए आया हूँ। वाह गणी बढ़िया लगी। हाँ बढ़िया लगी, अच्छी लगी। और इनकी जो अभी ये इन्होंने मैं इनकी वीडियो देखी, ये नैनो हाँ ये वीडियो देखी थी, तो वही देखने के लिए आया हूँ दोबारा। अभी यहाँ पे मशीन मामा हाँ वो देख लिया डेमो, बहुत बढ़िया है। अभी काफ़ी देर होगी डेमो देखते हुए। तो कैसा लगा? बढ़िया बढ़िया है, मशीन भी बढ़िया। हिसार गाँव श्याम सुख जी। श्याम सुख? हाँ जी राम सुख। श्याम सुख? श्याम सुख। ये हिसार से कितना दूर पड़ता है बेटे? ये हिसार से साइड में पड़ता है 25 किलोमीटर। जो पहले आपके 3 महीने पहले हमने नैनो टेक्नोलॉजी नहीं दी थी, वो अलग थी। हाँ वो अलग थी। नई मशीन लेनी है तो नैनो टेक्नोलॉजी की लेंगे। ये नैनो टेक्नोलॉजी कैसे लगी बेटे? नैनो बढ़िया बढ़िया लगी। आपका आपका डेमो देखा है, लाइव डेमो देखा है, बहुत ही बढ़िया मशीन है हम चलाने में। नाम क्या आपका? राकेश। शुक्रिया शुक्रिया। तो आपके साथ और भी आया कोई? हाँ भाई है। भाई है। राम राम सर। राम राम। क्या नाम है? भीम सिंह। कैसा लगा? बढ़िया जी बढ़िया है। हाँ जी। तो लेके जाओगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा लगा। तो सबसे बढ़िया क्या चीज लगी भाई साहब? अभी हमने गियर रिपर का डाला नहीं, इसका अलग से रिपर का गियर है। बेटे जरा गियर डालो, ये देखिए अब आगे चलेगा जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। जब इसको नीचे करेंगे तभी रिपर चलेगा, अगर इसको ऊपर कर दिया है तो रिपर बंद हो जाएगा, नीचे कर दिया है तो रिपर स्टार्ट हो जाएगा जी। बिल्कुल जी, इसका लग लग गया। ये देखो ये चल पड़ा, ये देखो ऊपर कर दिया बंद हो गया जी। चलाओ बेटे। जवार काटेगा? जवार काटेगा। वैसे इसको धान और गेहूं बहुत अच्छे से तरीके से कटता है, क्योंकि हमारे पंजाब में अभी बरसात बहुत हुई है, पूरा खेत गीला है और धान पका भी नहीं है, इसलिए मैं ये आपको ये जवार काट के दिखा रहा हूँ। ये देखिए राजा भैया कौन कौन सी फसल काट देता है? ये कोई भी फसल इसको आराम से काट देता है। ये देखिए हमारा रीपर किस तरीके से कटाई कर रहा है। क्यों बाबा जी, सही कर रहा है? देखिए इस पे सोयाबीन काटना है, धान काटना है, गेहूं काटना है, कोई भी फसल काटना है, इसने मापर आधे इंच से और 1 इंच से प्रॉपर काटता हुआ चला जाएगा जी। रुकिया बेटे रुकिया रुकिया रुकिया, बंद कर बेटे बंद कर। राजा भैया ये तो R709 है और ये R721 है। इसका जो मॉडल नंबर है, जो रिपर अटैचमेंट है, इसका जो मॉडल नंबर है R721 है जी। R721 जी 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 जी। अच्छा राजा भैया इतने अच्छे से काटता कि और कोई रिपर देखा है ना मैंने काटता? देखिए और रिपरों में क्या होता है, ये हमारा R709 है, इसकी दो विशेषताएं हैं, मेन जो असली विशेषता है, एक तो ये जो मशीन इंजन है इसका 245 cc का है, दूसरा इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी के कारण ये प्रॉपर काट देगा, कोई भी फसल हो, जैसे धान की फसल हो, सोयाबीन की फसल हो, गेहूं की फसल हो, बाजरे की फसल हो, ज्वार की फसल हो, कोई भी फसल हो, उसको मात्र आधा इंच और 1 इंच से काट देगा जी। ये तो गणिया फसल काट देगा, कोई भी फसल काट सकता है जी। अच्छा राजा भैया एक बात बताओ जी, अगर इसको लेना है किसी किसान भाई ने, क्योंकि देखो मेहनत करके पीछे इकट्ठे कर रहे जी, हैं जी, जी। और उसके लिए एक मशीन भी चाहिए काटन पिटन खातर जी, जी। तो कितने में लेगा? देखिए जो हमारा जो R709 मॉडल है इसकी जो प्राइस है मात्र 50,000 रुपया है नैनो टेक्नोलॉजी का। इसके साथ हम ये 2 रबड़ के टायर और 32 ब्लेड की रोटरी, 2 डिस्कें जो साथ में आप तबे से बोल रहे थे वो साथ में देंगे, और 4,000 रुपये की फार्मर बाइक कोई भी अटैचमेंट है फ्री में ले सकता है। 2-4 हज़ार रुपये की कोई भी अटैचमेंट है फार्मर भाई खरीद सकता है जी। जी जी ओके, फ्री में दी जाएगी। अच्छा राजा भैया अब ये बता दो कि हमारे किसान भाइयों ने साथ में के देने वाले हो? देखिए देखिए आज तक हमने किसी को, नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी में कुछ तो देना पड़ेगा। देखिए आज तक हमने किसी को निराश नहीं किया, जो हमारा पुराना रेट R709 प्रीमियम का 48,000 रेट रखा था उसी रेट में हम आप आए हैं बहन जी। आज तक किसी को निराश नहीं किया, कोई भी फार्मर बोल नहीं सकता कि मैंने निराश। 2,000 का स्पेशल डिस्काउंट करेंगे, जो R709 है ये हम 48,000 रुपये का दे देंगे और 4,000 रुपये की फ्री में अटैचमेंट भी दे देंगे, और डिलीवरी घर तक फ्री दी जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा जी। बिल्कुल पक्की बात है जी, देख लो ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है जी, बिल्कुल रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ। मंगवाएंगे कैसे इसको? देखिए अगर फार्मर भाई इसको मंगाना चाहता है
हम कंपनी का करंट अकाउंट भेज देंगे। उन्होंने मात्र 2000 रुपया डलवाना है और मशीन हमें डिस्पैच कर देंगे और एड्रेस जरूर भेज देना है, पिन कोड लिख के इंग्लिश में भेज देना, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आधार कार्ड भेज देना है, मशीन डिस्पैच कर देंगे। जब मशीन उनके राज्य में क्षेत्र में पहुँच गया तब उन्होंने बाकी का पैसा डलवा देना है अकाउंट में और डिलीवरी बिल्कुल फ्री दी जाएगी, डिलीवरी का कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। सिर्फ 2000 रुपये मात्र 2000 ही डलवाना है, ज़्यादा डलवाने की जरूरत नहीं है। 2000 रुपया मशीन, बिल्कुल मशीन चली जाएगी जी, कंपनी से डिस्पैच कर देंगे। अच्छा, राजा भैया देखो मशीन करी है, कुछ दिक्कत भी हो सकती, कुछ भी खराब हो जाए, ये सभी को पता है फार्मर भाइयों को, राजा भाई ने कभी भी किसी को मना नहीं किया, किसी का कुछ टूट जाए फार्मर भाई की गलती से टूट जाए, चैनल या मेरा फोटो भेज दीजिए, बिल का फोटो भेज दीजिए, फोन करने की जरूरत नहीं, नया ही भेज दूंगा, बात खत्म। गारंटी क्या रहेगी? अरे यही तो भाई, एक साल की फुल गारंटी है, कुछ भी खराब हो जाए, टूट जाए फूट जाए, नया ही दे दूंगा। कुछ भी खराब, कुछ भी फार्मर भाई गलती से तोड़ दे, उठा के नीचे फेंक दीजिए, फोटो भेज दीजिए, नया दे दूंगा, और क्या चाहिए भाई। कमाल की बात है। तो देखो मतलब नैनो टेक्नोलॉजी आपके सामने है, सारी चीज आपने दिखा भी दी है, राजा भैया ने एक एक चीज बता दी है और आपने देख भी ली है, और कुछ किसान भी आए हुए थे, ये देखो यूपी तो आए हैं, बहुत दूर तक इशारते भी आए थे तो वो भी लेकर गए हैं, तो आपने किसी लगी नैनो टेक्नोलॉजी जरूर बताना है और लेकर भी जाना है। और दूसरी बात यह है जो इसमें यो लग गया ना, एलिफेंट, एलिफेंट बोलते ना सर, बिल्कुल एलिफेंट नहीं बोलते, एलिफेंट फिल्टर बोले, एलिफेंट मत बोलिए। अच्छा। नहीं तो फार्मर भाई मुझे ही मजाक करने लगे, ऐसा मत करिए, एलिफेंट फिल्टर बोलिए। देखो राजा भैया एलिफेंट की तरह लगा हुआ इसको, इसको एलिफेंट फिल्टर बोलते हैं, एलिफेंट नहीं बोलते, एलिफेंट फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये एलिफेंट फिल्टर और एक वो स्टार्ट करने का मेरे को सबसे अच्छे लगे। शुक्रिया शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया शुक्रिया, और बाकी तो ये पूरा ही अच्छा है। शुक्रिया बहन जी, शुक्रिया शुक्रिया। अभी हमारे दर्शकों ने क्या करना है, तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी किसान ये पोचे है। अरे बाप ने बेरा है, धान की फसल भी कटन लग रही है, तो रिपर भी आन लग रहा, आप रिपर भी ले सको हो और तस्वीरों को दबा कर शेयर कर दो, क्यों राजा भैया? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में डीलर भी हैं, मैं उनसे भी फार्मर भाई हमारे डीलरों से भी मशीन ले सकते हैं। झारखंड में मैं बताना चाहता हूँ, चतरा में हमारा डीलर है, पटवार में डीलर है, गरीडी में राज ट्रेडर करके नाम से हमारा डीलर है, फार्म भाई उनसे भी मशीनें खरीद सकते हैं, और हमारा पटना में भी हमने डीलरशिप अभी शुरू की है, पटना में भी हमने डीलरशिप अभी हमने अपना नया शोरूम खोला है, कृषि जंतर नाम से बीटा पटना में खोला है, ऐसे ही हमने मिर्जापुर में भी अपना शोरूम खोला है, हमारी कंपनी के ही अपने शोरूम है, फार्म भाई वहीं पे भी ले सकते हैं। आने वाले समय में हम तकरीबन 300 और शोरूम को खोलने वाले हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ताकि फार्मर भाई अगर नज़दीक से लेना चाहते हैं नज़दीक से ही ले सकते हैं, फार्मर भाइयों को इसी रेट में ही मिलेगा, मैंने उनको जो भी हमने शोरूम पे भी लेगा उसको भी कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, कई डीलर होते हैं हमारा नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, काफ़ी जगह पर मैंने सुना है फार्मर भाई राजा भाई की मशीन, अरे भाई मैं चाहता हूँ एक तो हमारा RBW ब्रांड इम्बोज किया हुआ देखे और हमारी फ़ोटो भी देख ले कि हमारा ही मशीन है, किसी अन्य का मशीन तो नहीं है, कोई धोखाधड़ी तो नहीं हो रही, और जब भी हमारी कंपनी में पैसा डलवाएं एक बार वीडियो कॉल करके सुनिश्चित कर लें कि ये राजा भाई इंटरप्राइज से ही मशीन खरीद रहे हैं, कहीं कोई धोखा का शिकार ना हो सके जी, फार्म भाई वीडियो कॉल से बात कर सकता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है जी। तो आपको कैसे ही लगी नैनो सीरीज जरूर बताए, क्योंकि आप ही हमें बताएंगे कि नैनो सीरीज कैसी है, कैसे काम करती है, तो जल्दी से जल्दी कॉमेंट करें और बताए फिर राजा भैया की कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।